जय भोले बाबा की। दोस्तों गैमलिंग कोर्स के डे 4 में आपका स्वागत करता हूँ। डे 3 के अंदर हमने सीखा था कि कर्जे से मुक्ति के बाद ही हमें लॉस रिकवरी करने की शक्ति मिलती है, और लॉस हमें क्यों हुआ था, कर्जे में हम क्यों आए थे, क्योंकि हमें पैसे की वैल्यू नहीं थी, हमें पैसे की वैल्यू करनी नहीं आई। तो डे 4 में हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे कि पैसे की वैल्यू करना कैसे सीखे, लर्न एंड अर्न। पहले भाई पैसे की वैल्यू करना सीखो, जब भी आप पैसा कमाना सीख पाओगे। तो किन लोगों को पैसे की वैल्यू नहीं होती, कि जिन्होंने कभी मेहनत से कमाया ना हो, या जिन लोगों को खैरात में मिल गया हो, या जिसने लोन पर पैसा ले रखा हो या उधारी मांग रखी हो, क्योंकि उसने मेहनत करी नहीं तो उसको पैसे की वैल्यू पता ही नहीं कि पैसे कितनी मेहनत से कमाए जाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पैसे की वैल्यू सीखनी है, क्योंकि जब तक हमें पैसे की वैल्यू करनी नहीं आएगी तब तक हम ना अपनी आईडी को जीरो करते रहेंगे बार बार। जब भी आपकी आईडी में बैलेंस होता है आप जीरो क्यों कर लेते हो, क्योंकि आपको पैसे की वैल्यू नहीं पता। आपने लाखों लाखों रुपए की बैट लगाई, हजारों हजारों की बैट लगाई, और बड़ी बड़ी बैट खेलकर आप जीरो हो गए। अगर आपको पैसे की वैल्यू होती कि 50 रुपए की वैल्यू क्या है, 100 रुपए की वैल्यू क्या है, 500 रुपए की वैल्यू क्या है, अगर आपको ये बात मालूम होती कि एक मजदूर 400 से 500 रुपए कमाने के लिए 10 घंटा मजदूरी करता है, मेहनत करता है। एक रिक्शा वाला 400 300 रुपए कमाने के लिए पूरा दिन रिक्शा चलाता है। एक कॉर्पोरेट मजदूर 800 से 1500 रुपए कमाने के लिए पूरा 10 से 12 घंटा अपने दिमाग पर जोर डालता है, बैठा रहता है, काम करता है। तो आप देखो कि कितना टाइम और मेहनत लगाने के बाद वो इंसान पैसे कमा रहा है, और आप 5-5 हजार की, 10-10 हजार की, लाखों लाखों रुपए की बैट 10 सेकंड में उड़ा देते हो और आईडी जीरो करा लेते हो। तो जब तक पैसे की वैल्यू करना नहीं आएगा, जब तक आप कभी भी लॉस रिकवरी भी नहीं कर पाओगे और आईडी के अंदर बैलेंस को बचा भी नहीं पाओगे। अगर हमें पैसे की वैल्यू होती, आपको पैसे की वैल्यू होती, तो आप छोटी छोटी बैट खेलते, क्योंकि आपको पैसे की वैल्यू पता होती, और आपकी आईडी कभी जीरो हो ही नहीं सकती। जब हम बड़ी बैट खेलते हैं, अंधाधुंध खेलते हैं, पैसे की वैल्यू नहीं करते, आईडी में 50 हजार पड़े हैं, 25 हजार की या 10 हजार की, 15 हजार की बैट खेल रहे हैं, कोई मनी मैनेजमेंट नहीं है, तो क्या होगा, आईडी जीरो होगी। तो भाई पैसे की वैल्यू सीखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आज हम यही करेंगे कि पैसा कितना इंपॉर्टेंट है, ये आज की वीडियो में आपको पता लग जाएगा। क्योंकि बिना पैसे की वैल्यू समझे आप कभी भी लॉस रिकवरी नहीं कर पाओगे, बार बार आपको लॉस होता रहेगा। तो पैसे की वैल्यू समझने के लिए आपको करनी पड़ेगी कड़ी मेहनत, कड़ी तपस्या। जब तक करोगे नहीं, जब तक लॉस रिकवर होगा नहीं। क्योंकि भाई अगर मैं आपको बताऊं, मेहनती इंसान वो सब कुछ हासिल कर सकता है जो उसकी किस्मत में ना हो, और एक किस्मत वाला इंसान उसको बस उतना ही मिलेगा जितना उसकी किस्मत में हो। तो आपको क्या करना है, किस्मत वाला या मेहनती, क्योंकि मेहनती इंसान अपनी किस्मत मेहनत करके बदल भी देता है, और मेहनती इंसान को ही पैसे की वैल्यू समझ आती है। मेहनत करोगे तो एक ना एक दिन भाई लॉस रिकवर जरूर हो जाएगा, पैसा जरूर कमा लोगे। और अगर मैं आपको बात बताऊं तो गैम्बलिंग के अंदर पैसा हर इंसान कमाता है, और जितनी स्पीड से कमाता है उतनी स्पीड से गवा देता है। अगर आप स्लोली स्लोली पैसा कमाओगे तो आपका पैसा भी स्लोली स्लोली जाएगा, क्योंकि आपको पैसे की कदर होगी। और पैसे की कदर करना अगर आपको सीखना है ना, तो आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर से ही सीख सकते हो। आप एक बार अपने माँ बाप को देखो कि वो कैसे मेहनत से पैसा कमाते हैं, पाई पाई जोड़ते हैं, और कैसे सोच समझकर खर्च करते हैं। आप कभी अपने घर में देखो, आपको समझ आएगा। पर आप क्या करते हो, अंधाधुंध बैट लगाते हो, पैसे की वैल्यू नहीं करते हो। घर में आप देखोगे कि भाई माँ बाप 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए बचाने के लिए कितनी बार्गेनिंग करते हैं, कभी कभी पैदल चल के भी आते हैं पैसे बचाने के लिए, कोई कोई तो भाई बस से सफर करता है, कैब नहीं लेता है, मतलब 100 बातें हैं। मैं आपको कितना वीडियो के अंदर बताऊं, पहले भी बता चुका हूं। तो जिस इंसान को पैसे की वैल्यू होगी ना, वो 5 रुपए की वैल्यू करता है। जिस इंसान को वैल्यू नहीं होगी वो 5000 रुपए की बैट लगा देगा, 10000 रुपए की बैट लगा देगा, और अफसोस उसे बैट लगाते हुए नहीं होगा, जब आईडी जीरो हो जाएगी तब अफसोस होगा। तो भाई पैसे की पहले ही वैल्यू समझ जाओ, बड़ी बैट भूल कर भी मत लगाओ, क्योंकि बड़ी बैट इक्वल टू बिग। बहुत लोगों को पता होगा क्या होता है, वो बड़ा लोगे तो पछताओगे, बड़ा लोगे तो मर जाओगे। तो कभी भी बड़ी बैट मत खेलो, पैसे की वैल्यू समझो, मिनिमम छोटी से छोटी बैट खेलो, जिससे आपके पास क्या हो, ज्यादा चांसेस हो जीतने के, और आप कभी भी पैसा लॉस नहीं करोगे। बात याद रखना, हमेशा जो भी इंसान हारा है ना, वो या तो ओवर प्ले करके हारा है, या तो बड़ी बैट खेलकर हारा है। वो बड़ी बैट कौन इंसान खेलता है, जिसको पैसे की वैल्यू नहीं है। तो पैसे की वैल्यू सीखना और समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पैसा तो आप जीवन में कमा लोगे, पर अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं होगा, पैसे की वैल्यू नहीं होगी, तो बार बार आप बड़ी बैट खेलकर वही पुरानी गलतियां खेलकर दोबारा से हार जाओगे। तो पैसे की वैल्यू भाई बहुत जरूरी है सीखना, सीख जाओगे। क्योंकि देखो, पैसा जितने जल्दी आप कमाओगे ना, आपको क्या लगता है, आप बड़ी बड़ी बैट खेलकर जल्दी पैसा कमा लोगे। पर यह भी याद रखना कि बड़ी बड़ी बैट खेलकर आप जल्दी से पैसा हार भी जाओगे, और यही रीजन होता है अकाउंट जीरो होने का, कि पैसा जितनी जल्दी आता है ना,
उतनी जल्दी चला भी जाता है। बहुत सारे लोग आपको एडवाइस देते हैं कि भाई 100 का 300 बनाओ, 1000 का 3000 बनाओ, 2 से 3 गुना बनाओ। जुआरी की तरह खेलो, बिजनेसमैन की तरह मत खेलो। वो लोग आपको बेवकूफ बना रहे हैं। वो जितना जल्दी आप कमाओगे उतना जल्दी आप हार जाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई बिजनेस की तरह करो। स्लो स्लो पैसा आएगा तो स्लो स्लो ही जाएगा, अगर फास्ट पैसा आएगा तो फास्ट चला भी जाएगा। तो पैसा भाई जिस स्पीड से आएगा तो उसी स्पीड से जाता भी है, तो क्यों ना भाई इसको स्लो स्लो कमाओ। धीरे धीरे कमाओगे तो आपके पास टिकेगा, और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आपकी मेहनत बढ़ती जाएगी, तो आप टाइम के साथ और ज्यादा पैसे की वैल्यू को समझने लगोगे, सीखने लगोगे। और जिस दिन बहुत मैच्योर हो जाओगे पैसे के मामले में, तो आपका पैसा कभी भी लॉस नहीं होगा, अच्छे कामों में ही जाएगा। पैसे की वैल्यू आप जब करना सीख जाओगे तो आपको गैम्बलिंग में टारगेट मेंटेन करने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि आपको पता है कि पैसे की वैल्यू क्या है। मैंने कमा लिया है तो मुझे रुक जाना चाहिए, अगर नहीं रुकूंगा तो और ज्यादा कमा लूंगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डेली टारगेट पूरा करते हैं, पूरा होने के बाद ओवर प्ले करने लगते हैं, सोचते हैं कि मैंने तो कमा लिया है, थोड़ा सा और कमा लेता हूँ, फिर सोचते हैं थोड़ा सा और कमा लेता हूँ। एक ही दिन के अंदर 10 दिन का टारगेट पूरा करने की कोशिश करते हैं और आईडी जीरो करा लेते हैं। और जब आपको पैसे की वैल्यू होगी, आपको पता होगा भाई टारगेट पूरा हो गया, मैंने पैसे कमा लिए हैं, अब मुझे रुक जाना चाहिए। पैसे की जो वैल्यू समझेगा वही तो इंसान रुकेगा। जिसको वैल्यू नहीं होगा वो तो भाई खेलता जाएगा, जब जीरो हो जाएंगे तो सर पकड़ के बैठ जाता है। जब आप पैसे की वैल्यू करना सीख जाओगे तो लाइफ आपकी बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगी। जब आप गेम प्ले करोगे, टारगेट पूरा करोगे, तो आपको पैसे की वैल्यू पता है, आप टारगेट पूरा होने के बाद आराम से रुक जाओगे। जिस इंसान को वैल्यू नहीं है वो टारगेट पूरा होने के बाद ओवर प्ले करता रहता है कि टारगेट तो इजिली पूरा हो गया, चलो कल का टारगेट भी अभी पूरा कर लेता हूँ, चलो एक दिन के बाद का और टारगेट अभी पूरा कर लेता हूँ, वो रुकते नहीं है। जिस इंसान को पैसे की वैल्यू होगी, हाँ भाई आज का कोटा पूरा हो गया, वो रुक जाएगा। तो पैसे की वैल्यू करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब आप पैसे की वैल्यू समझकर खेलोगे, डिसिप्लिन के साथ खेलोगे, रूल्स को फॉलो करोगे, टारगेट को पूरा करने के बाद गेम को डेली बंद कर दोगे, स्टॉप लॉस पर रुक जाओगे, सब कुछ चीजें अच्छी चलेंगी, तो आपको पता है पैसा क्या क्या वापस दिला देगा। सबसे पहले तो आपको कर्जे से मुक्ति मिल जाएगी, सारा कर्ज आपका धीरे धीरे उतरने लगेगा। समाज में खोई हुई इज्जत आपकी वापस आ जाएगी, समाज में खोई हुई इज्जत जो आपके माँ बाप की इज्जत चली गई थी वो भी वापस आ जाएगी। आप सारी सुख सुविधाओं का भोग ले सकते हो। देखो पैसा आप ऊपर लेके नहीं जा सकते, पर अगर आपके पास नीचे है पैसा है ना, तो आप सारी सुख सुविधाएं भोग सकते हो। जो भी संसार में चीजें हैं जो आपको अच्छी लगती हैं, पैसे के साथ आप उन चीजों को एंजॉय कर सकते हो। वो कब होगी, जब आप उस पैसे की ताकत को समझोगे, उस पैसे की वैल्यू को समझोगे, तभी आप वो सब चीजें हासिल कर पाओगे और एंजॉय कर पाओगे। पैसे की वैल्यू नहीं समझ पाओगे तो जिंदगी भर डिप्रेशन टेंशन में और हाय कर्जा करते रहोगे। पैसे में बहुत बड़ी ताकत है, उस ताकत को पहचानो, उस ताकत को यूज करो। लोग कहते हैं कि भाई लड़कियां पैसे पे मरती हैं, झूठ बोलते हैं भाई, पैसे पे पूरी दुनिया मरती है। अगर तुम पैसे की वैल्यू समझोगे, पैसे की इज्जत करोगे, तो पैसा तुम्हें समाज में वापस इज्जत दिलाएगा, मान सम्मान सब कुछ दिलाएगा, जो आपको चाहिए सब कुछ आपको दे देगा। पर उससे पहले आपको पैसे को वैल्यू देना सीखना होगा मेरे भाई। पैसे का समझ मोल, क्योंकि ये है बड़ा अनमोल। लोग कहते हैं कि भाई पैसा कुछ भी नहीं, पर सच बात यह है कि पैसे के बिना कुछ भी नहीं। पैसा लाइफ के अंदर वो तड़का है जो लाइफ को मस्त बनाता है, स्वादिष्ट बनाता है। जैसे नॉर्मल दाल के अंदर तड़का लगाओ तो दाल स्वादिष्ट हो जाती है, ऐसे पैसा लाइफ के अंदर तड़का लगाता है और लाइफ मस्त हो जाती है। पैसा आदमी का गहना है, आदमी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगने लगता है जब उसके पास पैसा होता है। तो उस पैसे को पानी की तरह मत बहाओ, अंधाधुंध अंधे बनकर उस पैसे के अंदर आग मत लगाओ। पैसे की वैल्यू समझो, और पैसे की वैल्यू आपको जब ही समझ आएगी जब आप मेहनत करोगे। अगर आपको पैसे की वैल्यू समझनी है तो एक महीना जाओ दिहाड़ी बेलदारी का काम करो, एक दिन जाओ जो डिलीवरी बॉय काम करते हैं वो काम करो, मेहनत का काम करो, आपको पैसे की वैल्यू जरूर समझ आएगी। तो जुआ खेलने से पहले पैसे की वैल्यू समझो, और आज के टॉपिक में मैं उम्मीद करता हूँ आपको पैसे की वैल्यू समझ आएगी, और आप कभी भी बड़ी बैट नहीं लोगे, क्योंकि बड़ी बैट इक्वल टू बड़ा आपको समझ आ जाएगा, बड़ा लोगे तो मरोगे। और आज की वीडियो में बस इतना ही, डे 5 के अंदर कंटिन्यू करेंगे इस गैम्बलिंग कोर्स को, और नई बात को हम सीरीज से समझेंगे। अगर आपको गेम प्ले वीडियो देखनी है तो टेलीग्राम चैनल के अंदर गेम प्ले की वीडियो मिलेंगी, जो कि आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, और हम लाइन से सीरीज को चलाने वाले हैं, तो लाइन से सारी वीडियोस आप देखना जब भी आपको समझ आएगा।